Assalamu alaikum students. Uh, so, once again, I greet all of you to my channel. Uh, I hope all of uh, you are well and having fun. So, students, in this uh, video, I am going to teach you about WAPs. Okay. तो वाफ के बारे में स्टार्ट करने से पहले तो इस वीडियो में हम वाफ्स की जो डिफिनेशन है उसकी हम बात नहीं करेंगे ओके तो यह वाफ्स का डिफिनेशन क्या है ये लोग ये तो आप लोगों को मालूम होगा ओके आ, तो अब इसमें हम बात करेंगे उसकी जो वाफ्स की सब्जेक्ट वाफ एग्रीमेंट पे हम बात करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे लिंक ऑफ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है ओके आपको यह करना है अंडरलाइन द इर्स एंड री राइट सेंटेंस करेक्टली ओके यहाँ पे भी आपको ईरर्स नजर आएगा उसको आपको पॉइंट आउट करना है उसको अंडरलाइन करना है और इस सेंटेंस को फिर से सही तौर पे लिखना है ओके okay. तो यह आपके लिए होमवर्क है ये आपको खुद करना है जो सारे जो लिंक वर्ड्स है वो आपको खुद से करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप एग्रीमेंट्स है जो रूल्स है और एग्जांपल्स हैं हम उस पर बात करेंगे फिर उसके बाद आपको खुद आइडिया आ जाएंगे आ, कि यहाँ पे इस सेंटेंस जो है उसमें क्या क्या ईयर्स है ओके यू विल फाइंड इजीली सो योर वेस्टिंग योर टाइम्स अब हम बात करेंगे रूल्स पे सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स So, में क्या होते हैं देखो पहले इन सेंटें यहाँ पे जो टेबल्स है नीचे यहाँ पे ओके okay, ये कुछ रूल्स है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में होते हैं रूल्स ओके okay, जब हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं वाप को जब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो कुछ रूल्स होते हैं उस पर बात क्या हुआ है तो आ, ओके पहले कॉलम में यहाँ पे रूल्स है यहाँ पे एग्जांपल्स है तो इसको ध्यान से देखना है ताकि आपको आगे आ, कोई परेशानी ना हो ओके टू सेंगुलर टू सेंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर आ सेंगुलर वर्ब्स Okay, पहला रोज देखो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया हो जोड़ा गया हो और नॉर इधर और या नीदर नॉर से तो उसमें हमेशा क्या आते हैं उसको जरूरत होता है सिंगुलर वर्ब की तो उसमें वैब जो वाप जो होते हैं वो सेंगुलर्स होते हैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स में देखो इधर यू और आई एम गोइंग टू रिसीव द गैस एट द एयरपोर्ट यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है एक यू दो सब्जेक्ट है एक है आई दो सब्जेक्ट है ना इन दोनों को मिलाया गया है और से तो यहां पे जो वाप है ओके वाप है वो क्या है वो भी सिंगुलर ही एम है ना एम ये सिंगुलर में आया है तो ये पहला रूल दूसरा रूल देखो इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन द प्लूरल सब्जेक्ट सेकेंड एंड यूज अ प्लुरल वॉप अगर दो ऊपर वाले में बोला था वही दो तो इसमें भी अगर दो सेंगुलर यानी दो सब्जेक्ट है ओके एक है गीता दूसरा है उसकी कजन्स अगर दो सब्जेक्ट है उनको मिलाया गया है और से ओके और से मिलाया गया है एक सिंगुलर है दूसरा प्लुरल है तो उसमें क्या करना है जो पुलुरल सब्जेक्ट uh, है उसको ओके, okay, के साथ, यानी सामने लिख के वहां पे यानी जो वाप होगा वो क्या होगा वहां पे वो वेब जो होगा वाप जो होगा वो प्लुरल होगा ऐसे लिखना है ओके okay? उसको ऐसे करके लिखना है कि जैसे कि गीता एंड हेरकाजन्स यहाँ पे इस तरह पे बोला जाते हैं यानी जो नियरेस्ट है ओके जो नरेस्ट है वर्ब से जो नरेस्ट है वर्ब उसी के हिसाब से होगा अगर ये नरेस्ट वाला काजन जो है यहाँ पे प्लुरर है अगर ये यह गीता यहाँ पे होता तो यहाँ पे सिंगुलर होता कुछ रूल ऐसे भी होते हैं ओके आ, तो यहाँ पे जो वरफ है वो पुलुर आया क्योंकि सेकंड जो से, यानी क्या है जो सब्जेक्ट uh, है वो पोलुरल है उसके हिसाब से अब आते हैं हम है, कुछ और रूल्स की बात करते हैं यहां पे है इफ टू ओके इफ टू और मोर सिंगुलर नॉन्स इस रूल को ध्यान से देखना है आपको ध्यान से उसको समझना है इफ टू और मोर सिंगुलर नॉन्स आर इट बाई एंड बट रिफेर टू दैम पर्सन और सजेस्ट वन आइडिया दर्प यूज इट इज़ सिंगलर इस तरह हम प्रो नोन् में जो यूजिंग प्रो नोन का हमने वहाँ पर यूजिंग पे हमने जो रूल था उसमें बात किया था अगर दो सिंगलर सब्जेक्ट है ओके उनको जोड़ा गया है एंड से लेकिन एक ही शख्स के लिए वो रिफेर है एक ही शख्स का हवा दे रहा है एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर हम क्या करता था जो प्रो नोन होता था वो भी सिंगलर इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पे भी में भी वाब में भी वही सिंगल यानी वही सेम फंडा है अगर दो सिंगलर नोन है उनको जोड़ा गया है एंड से तो यहाँ पे जो आ, वाब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा दो सिंगलर नोन के होते हुए भी मिसाल के तौर पे, द प्रेजेंट एंड टीजर टीजर ऑफ द क्लब इज मिस्टर शर्मा ना यहां पे दो नॉन दो है एक है प्रेसिडेंट दूसरा है टीजर टी ओके टीजरर। तो ये जो टीजर है और प्रेसिडेंट है यहाँ पे दो क्या है सब्जेक्ट है लेकिन उसके होते हुए भी जो वरअ है इससे है वो सिंगुलर आया क्यों क्योंकि ये एक ही शख़्स है मिस्टर शर्मा एक ही शख्स ओके जो मिस्टर शर्मा है वो प्रेसिडेंट भी है और टीज़ेरर भी है इसलिए इस आया है एक आइडिया वो अगर वो करता है पेश करता है या एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है तो उस वक्त सिंगुलर वाप का इस्तेमाल होगा जिससे कि यहाँ पे और एक मिसाल है हिस ब्रेड एंड बटर इस क्रिकेट ओके तो यहाँ पे एक है ब्रेड दूसरा है बटर लेकिन यहाँ पे जो आइडिया है वो एक ही आता है तो इसलिए सिंगर ही है अब यहां पर रूल देखो वन टू नॉन्स आर ज्वाइन बाई एक्सप्रेशन सच इज विज वेल एज अलाउ वि फर्स्ट सब्जेक्ट अगर दो एक्सप्रेशन को या हम बोल सकते हैं दो नॉन्स को ज्वाइन किया गया है उनको कनेक्ट किया गया है या शामिल कियाको जोड़ा गया है इन uh, सारे वर्ड्स जैसे कि विथ से या एस वेल एज से एलाउ विथ से या बिसाइड से तो उसमें जो वॉप हो होगा वो एग्री होगा फर्स्ट सब्जेक्ट से ओके okay, पहला जो सब्जेक्ट है उसके सबसे आएगा अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी वाप भी सिंगुलर अगर पहला uh, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल होगा ये ध्यान में रखना ये बात द ब्राइड ग्रूम विथ हिज फ्रेंड्स अराइव्ड यहाँ पे देखो जो ब्राइड ग्रूम है ओके यानी दुल्हन यहाँ पे ये यह सिंगुलर है है ना सिंगुलर? एक ही है। and his friends, यहां पे ये दूसरा जो नॉन है या दूसरा जो सब्जेक्ट है वो प्लर है लेकिन इसके होते हुए भी यहाँ पे जो वब है वो क्या है सिंगुलर है क्योंकि हमने यहाँ पे रोल में पढ़ा था कि अगर इन सब इनसे मिला होगा जैसे कि यहाँ पे विच से मिला हुआ है ना तो उस वक्त क्या होगा जो वाप होगा वा एग्री होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल द लॉय नॉट द टाइगर द लॉइंस नॉट द टाइगर और बींग टू देंचुरी अब यहाँ पे देखो लाइंस यानी शेर है ये पुलर है ये जो टाइगर है ये सिंगुलर है लेकिन यहां पे आ रहा क्यों क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के साथ एग्री होते हमने उसमें कहा कि अगर ये इस तरह के वापस होगा हो विद होगा इस वो बीस होगा होगा ओके या नार द होगा नारद भी होते है इसमें यहाँ पे उसने ये नहीं किया लेकिन नारद भी होता है ओके द लाइन नार्ड द टाइगर नार द भी होगा तो भी जो सब्जेक्ट होगा वो एग्री होगा विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ओके जो वाप होगा वो वा एग्री होगा विद द तो फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा एक रूल है ईट ईच एवरी वन मैनी एंड अ मस्ट बी फॉलोड बाई सिंग अगर किसी सेंटेंस में इच लगा होगा एवरी होगा या, हो या मैनी होगा या ए होगा ओके सब्जेक्ट के साथ ये सारे इस्तेमाल होगा अगर सब्जेक्ट के साथ ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुआ होगा तो इसमें ज़रूर जो आ, ओके वाप होगा वो ज़रूर क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए जैसे कि ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज वर्क ऑन टाइम ओके तो यहां पे क्या है ईच बॉय ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज वर्क ऑन टाइम तो यहां पे ये यह सिंगुलर है अब दूसरे में देखो बोथ फ्यू सेवरल मेनी एंड अदर टेक फुल्ल ये सारे जो वर्ड्स है जैसे कि अगर ये नॉन किसी इस्तेमाल हुआ होगा तो आ, बहुत है जैसे कि फ्यू है सेवरल है आपने आ, हमने जो प्रू नॉन है उस वीडियो में अभी आपने देखा होगा आ, कि जो हमने वहाँ पे जिक्र किया था बहुत हो जो होते हैं उसके साथ हमेशा पुलुरल प्रू नॉन इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह वाप में भी इसके साथ हमेशा पुलुरल वैब ही इस्तेमाल होते हैं फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट टुडे ओके अब आते हैं हम एक और रूल से इसमें क्या होते हैं सम इन इन फॉर्म बट सिंगुलर सिंगुलर मीनिंग टेक कुछ नोन्स होते हैं जिनका फॉर्म यानी जो उनका वजूद होते जो हमें देखने से लगते हैं कि ये पुलुरस है जिनका फॉर्म ही पुलुरस होते हैं लेकिन आ, ओके लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो सिंगुलर होते हैं तो जब उनका मीनिंग सिंगुलर होगा तो वो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा मिसाल के तौर पे फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग फिजिक्स जो है वो देखने में क्या लगता है आपको देखने में लगता है कि ये आ, क्या है प्लुरल है लास्ट में ऐसा लगता है ना लेकिन हमेशा ये होता है सिंगुलर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होते हैं फिजिक्स जैसे कि देयर इज गुड न्यूज जैसे कि न्यूज वाला न्यूज नहीं लगता है ना कि ये प्लुरल है लेकिन हमेशा सिंगुलर ही होता है न्यू से फिजिक्स से इस तरह के फिश से ओके इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो देखने जैसे कि मैथमेटिक्स से ओके आ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन ना होता सिंगुलर है और एक रूल्स कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर और प्लुरल वर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पीकर इज टेकिंग अबाउट द ग्रुप आ, और इट इस इंडिविजुअल्स। अब कलेक्टिव नोन जो होते हैं उसके साथ सिंगुलर भी इस्तेमाल जैसे कि प्रो नोन में भी हमने कहा था सिंगुलर और पुलर वाप इस्तेमाल होता है इसके साथ दोनों इस्तेमाल होते हैं लेकिन डिपेंड करते हैं कि जो स्पीक्स कर्स है वो किसकी बात कर रहा है अगर ग्रुप की बात कर रहा होगा तो ग्रुप की बात कर रहा होगा तो वहाँ पे सिंगुलर क्या आते हैं अगर ग्रुप की बात कर रहा होगा पूरा ग्रुप का जो आइडिया है पूरा ग्रुप की बात कर रहा होगा ग्रुप के बारे में एक ही बात कर रहा होगा तो उस वक्त सिंगुलर होते हैं वर्ब्स अगर ग्रुप इंडिविजुअल्स की बात अगर जैसे कि एक ग्रुप से एक ग्रुप से पाँच नफर है और पाँच नफ़र की अलग अलग राय है इंडिविजुअल्स राय है तो उस वक्त जो वाप होगा वो प्लुरल होगा अगर ये जो पांच नफर है या दस नफर है इन सब का एक ही डिसीजन है ओके उन सब का जो राय है उन सब की जो बात है सब का एक ही है तो उस वक़्त सिंगुलर वो आपका इस्तेमाल होगा ये हमने प्रोनाउन में भी ये किया था जैसे कि द क्राउड हैज़ गैदरड अब यहाँ पे जो क्राउड है यानी वो सब जमा हो गया है ओके कोई जमा हो गया कोई नहीं हो गया ऐसा नहीं है सब जमा हो गया तो इसलिए यहाँ पे हैज़ इस इस्तेमाल होगा कलेक्टिव न अब यहाँ पे नीचे में देखो द क्राउड वेंट दियर स्प्रेड वेज अब जो क्राउड था वो अपने अलग अलग कहाँ गया अलग अलग आ, रास्ते गया वो अलग अलग, अलग जगह पे वो चला गया तो यहाँ पे क्राउड ओके okay, जो क्राउड है उसके साथ यहाँ पे वेंट आया है ओके okay, तो ये प्लोरल जो वॉप है वो इस्तेमाल हुआ है अब आते हैं हम और एक रूल अ सिंगुलर वॉक इज यूज विथ सम्स ऑफ मनी और पीरियड्स ऑफ टाइम जो सिंगुलर वैप होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं सम ऑफ मनी ओके सम ऑफ मनी जैसे कि जैसे कि हमें पैसा पैसों के बारे में कहना है ओके okay. या टाइम के बारे में ये करना है तो हमें हमेशा सिंगुलर वॉप ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टू लाख इज लार्ज सम ऑफ मनी टू लाख्स तो देखने में लगते हैं कि यह प्लूरल होगा लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर ऑफ मनी के साथ हमेशा सिंगुलर नो वो ही इस्तेमाल होते हैं दूसरा जैसे कि इज अ लॉन्ग टाइम क्योंकि पचास साल का जो है वो बड़ा वकफा होते हैं तो यहाँ पे ईयर्स है ना तो लेकिन इसके साथ सिंगुलर यानी ही इस्तेमाल हुआ है और एक रूल देखो वैन प्लूरल नोन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ सम सिंगल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्टिव यूनिट इट मस्ट बी फॉलोइड बाय अ सिंगुलर वॉप टाइटल ऑफ द बुक्स मूवीज़ और नावल्स टेक सिंगुलर वॉब्स देखो जब कोई प्लोरल जो होते हैं इस अ प्रॉपर नेम वो एक प्रॉपर नेम है एक खास नाम है अगर प्लोल नॉन्स जो है वो एक खास नाम है फारो किसी यानि एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो एक नाम है और कलेक्टिव यूनिट कलेक्टिव नॉन के लिए या यूनिट के लिए इट मस्ट भी फॉलोड बाई सिंग उसमें से हमेशा जो वा, वाप हो इस्तेमाल होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं और दूसरी बात टाइटल ऑफ द बुक्स बुक्स की जो टाइटल होते हैं नाम होते हैं मूवी का नाम होते हैं फिल्म का नाम नावल का नाम होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होते हैं द नीदरलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप ओके नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स इज अ कंट्री इन यूरोप जैसे कि जो नीदरलैंड है ओके okay, ये एक पुलर नॉन है a, अब इसके साथ लेकिन ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरफ बात कर रहा है ओके okay? नीदरलैंड्स बहुत सारे उसमें ये होगा पार्टस है लेकिन नीदरलैंडस ओके लेकिन ये एक कंट्री की तरफ बात कर रहा है वो सब यानी इन सब को मिला के एक कंट्री होते हैं इसलिए इसके साथ सिंगुलर वो आप इस्तेमाल हुआ है अब दूसरा जैसे कि फाइव इज राइट हैंड बाय गिरी शर्मा तो फाइव मैस्ट्री से ये एक नावल का नाम होगा या स्टोरी का नाम होगा ओके ये एक नावल का नाम है बुक का नाम है टाइटल है बुक का तो इसलिए इसको सिंगुलर इसके साथ सिंगुलर हुआ आया है तो आपको अभी कोई जो बहुत सारे रूल्स को आप रूल्स के बारे में आपने पता किया होगा तो जो पहले हमने कुछ लिंग वर्ड दिए थे आप उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको ये जो रूल्स है ये इसी के हिसाब से आपको वो जो लिंग वर्ड्स हमने वीडियो के पहले में आपको दिखाया था उसको आपको करना है करके एज ए होमवर्क करके आप मुझे वो बेचना है ओके अब, अब उसको करने में आपको अगर कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत होगा तो आप यानी जो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब के उसमें भी आप मुझे लिख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे आप अपने जो आपको जो भी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं ओके okay, होफ आप लोगों ने इस वीडियोस को एंजॉय किया होगा ओके okay? तो थैंक्स फॉर हैव है नाइस डे